जनपद गाजीपुर के ग्राम 12 के प्रधान मोहम्मद आजाद खान का पोस्टर सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। बसपा प्रत्याशी को वोट देने की गई है अपील, उसी को लेकर मोहम्मद आजाद खान प्रधान ने एक वीडियो बनाते हुए उन्होंने वापस से सोशल मीडिया पर वायरल किया है कि इस पोस्टर को ध्यान ना दिया जाए और जनता को ये भी जताए कि इस पोस्टर पर फ्रॉड चल रहा है। हमने किसी भी बसपा प्रत्याशी को वोट देने की अपील नहीं की। आइए सुनते हैं मोहम्मद आजाद खान क्या वीडियो में उन्होंने खंडन किया है इस पोस्टर को लेकर। मैं मोहम्मद आजाद खान ग्राम प्रधान 12, मैं अपने जमनिया विधानसभा के जनता को एक संदेश, एक आवश्यक सूचना, बीएसपी जमनिया के नाम से फर्जी आईडी बनाकर मेरे नाम को बदनाम किया जा रहा है। हम आज भी समाजवादी हैं और पहले भी समाजवादी थे। मेरी जनता से अपील है कि इसका जवाब 7 तारीख को साइकिल पर बटन दबाकर आपको देना है और लोग इतने नीचे स्तर गिर जाएंगे मैंने सपना में भी नहीं सोचा था। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन किसी को बदनाम करके, किसी को मिसयूज करके आप जनता के बीच में हीरो बनिएगा? जनता इनको पहले ही नकार चुकी है, अब इनका यही हथकंडा बचा था जो इन्होंने मानेटी के सबसे बड़ा गांव बारा आता है, अब ये हमारी जो है फोटो लगाकर और फर्जी आईडी से हमें बदनाम कर रहे हैं। आप इनके धोखे में मत आइएगा, ये अभी 7 तारीख में एक दिन बाकी है तो इनके ये हरकत है, न जाने ये क्या क्या करेंगे, अभी रात बाकी है। तो आप लोगों से मेरा नर्म निवेदन है जमनिया विधानसभा के लोगों से कि आप इनके धोखे में मत आइए और हमारे माननीय प्रिय लोकप्रिय नेता श्री ओम प्रकाश जी को साइकिल पर बटन दबा के, जो नंबर 1 पहले ही उनको नंबर 1 जो है दे दिया गया है, अब आपका बटन दबना बाकी है, इतना दबा दीजिए कि जमनिया विधानसभा की गूंज लखनऊ तक सुनाई दे। आज 6 तारीख है और कल 7 तारीख को साइकिल पर इतना बटन दबा दीजिए, इसका उन लोगों के लिए यही जवाब है। हमारा आपसे अपील है कि ओम प्रकाश जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद।